तो आ गए आप लोग अपने काले करतूत पे चादर डालने। आज की इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप अपने काले करतूत पे चादर डाल सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो रखते हैं अब जोक सपाट को साइड। दोस्तों, क्या आप अपने फोन पे अकाउंट के लास्ट ट्रांजेक्शन को डिलीट करना चाहते हो? मतलब रिसेंटली आपने लास्ट टाइम जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह किया है उसे आप डिलीट करना चाहते हो? तो दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए। बिकॉज दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से आप अपने फोन पे की जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन वगैरह उसे डिलीट कर सकते हो। हाँ, उससे पहले बस एक बात कहना चाहूंगा, बस वीडियो को आप मिस मत करना, स्टेप टू स्टेप देखना। नहीं तो जो भी आपने अपने करतूत पे चादर डालने की कोशिश किया है वो सब बेकार रह जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चले करते वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। तो दोस्तों, मैं चुका सिंपली से अपने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये आप देख सकते हो मेरा जो भी हिस्ट्री वगैरह, ये सारा हिस्ट्री आपके सामने निकल के आ चुका है। चलिए आप नेक्स्ट बताता हूँ किस तरह से चुटकी में आप अपना सारा जो वगैरह आपका रिसेंट हिस्ट्री वगैरह जो भी आपने ट्रांजेक्शन वगैरह किया है कैसे चुटकी में आप उसे डिलीट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन से बाहर चले जाओ। बाहर जाने के सबसे पहले आप अपनी सेटिंग को ओपन कर लो। सेटिंग को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट लिखते ही यहाँ पे आपके सामने एक फोल्डर खुल गया जाएगा। सिंपली से आप इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पे देख रहे हो ऐप लिस्ट आपके सामने एक खुल गया है। सिंपली से आप पहले इस पर क्लिक कर दो। इसके क्लिक के बाद थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के लिए। लोड होने के बाद सिंपली से आगे बताता हूँ क्या करना। तो लोड हो चुका है। नेक्स्ट आपको करना क्या, सिंपली से वहाँ पे सर्च बार को देखने को मिल रहा है ऊपर के साइड में। सिंपली से यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड फिर से आपको यहाँ पे लिखना है फोन पे। फोन पे लिखते यहाँ पे आपके सामने फोन पे खुल गया है। सिंपली से फोन पे आप क्लिक करो। क्लिक करने का नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहला ऑप्शन स्टोरेज यूज। सिंपली से आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करना, नेक्स्ट आपको क्या करना, यहाँ पे दिख रहा है दो ऑप्शन क्लियर डाटा क्लियर केस। सिंपली से आप पहले क्लियर डाटा कर दो एंड ऑटोमेटिकली से आपका क्लियर केस भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका काम खत्म है। अब नेक्स्ट यहाँ से आपको बैक चलना है। बैक जाने के बाद सबसे पहले आप अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करो। ओपन करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली से आप जिस भी नंबर के साथ यहाँ पे आपने अपना फोनपे अकाउंट बनाया था, नेक्स्ट टाइम जिस भी नंबर का आप यहाँ पे फोन पे हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो, सिंपली से आप उस नंबर के साथ यहाँ पे आप लॉगिन कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लॉगिन हो चुका है। फिर से आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने दो ही तीन सेटिंग्स में अपना जो भी हिस्ट्री वगैरह था उसे कर दिया है डिलीट। सिंपली से मैं यहाँ पे हिस्ट्री का बटन अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो बन गए ना दोस्तों आपको पट एंड कट गई ना आपकी। तो ये जो वीडियो बना था मेरा, ये कोई मोटिव नहीं था कि मैं वॉच टाइम को कलेक्ट कर लूँ। बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि सिंपल लैंग्वेज में आप कोई भी वीडियो मत देखो। बिकॉज इसके पीछे एक ही रीज़न है, फोन पे का जो हिस्ट्री वगैरह है वो आप डिलीट कर ही नहीं सकती। कोई ऑप्शन ही नहीं है, किधर से भी आप कितने भी ट्राई कर लो, आप फोन पे का जो हिस्ट्री वगैरह है, लास्ट ट्रांजेक्शन वगैरह आपने जो भी किया है, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि आप किसी भी तरह से कैसे भी आप ट्राई कर लो, आप अपने फोन पे हिस्ट्री को कैसे भी डिलीट नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आएगा एंड साथ ही आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट टाइम।